आज धर्मशाला में चारों शाने चित कर दिया, फ्रंट से लीड कर रहा है रोहित शर्मा, ये होता है कप्तान। यही मैं बात करता हूँ यहाँ के नाम नेहाद किंग कुइंग वालों को। डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, आज भारत ने एक बार फिर से क्या बार बार वो प्रूफ करता जा रहा है बेसबॉल को कि भाई छोड़ के यहाँ से भाग जाओ। बेसबॉल मेरा ख्याल है पिट गया इन इंडिया, ये इतना लंबा टूर एशियन के अलावा करते नहीं कोई भी, और ये शायद शादी भी देख ली थी इन्होंने, सारा काम तो हो गया पूरा हमारा। पहले पहले डे के पहले सेशन में वो अच्छा खेले, उसके बाद लगातार पांच सेशन हो गए हैं, उनको मारी पड़ रही है। पहले उनके बैट्समैन को पढ़िया बॉलर्स क्या, तो अब उनके बॉलर्स को पढ़िया बैट्समैन क्या, तो एक तरफ जेम्स एंडरसन को शम्बन छक्के मार, दूसरा शोएब बशीर को रोहित शर्मा छक्के मार रहा था। इंडिया स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया उनके तनाव से खेल बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है, इन्होंने तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो रोहित शर्मा ने, अबू जी रोहित शर्मा ने आपकी ले लेनी है तो उन्होंने ले लिया। इंग्लैंड वालों के लिए ना ये शर्म की बात है, डोप बनने की बात है। इससे एक सीनियर प्लेयर है आपके पास, जेम्स एंडरसन जैसे, बेन स्टोक्स जैसे, बेन फोक्स जैसे, बेस्टो देख रहे हैं, सोवा टेस्ट मैच खेल रहा है, तो इंडिया अपने बच्चों से उन्हें पिटवा रहा है। कसम ले लो, मेरे से कसम ले लो, इंग्लैंड की क्रिकेट को रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने आज खत्म करके उनको टाटा बाय बाय कह के उनका छलकना बजा दिया। तू क्या जितना बेबस करके घंटा बजाया आज रोहित शर्मा और गिल ने इंग्लैंड का पहले सेशन में, ये रो रहे हैं बैट कुल बॉब जो घुटने पकड़ रहे होंगे। रोहित शर्मा वर्सेस के गैर क्रिकेट के अंदर अपना नाम बनाना चाहते हैं तो छूले इंडिया के चरण, इंडिया का आशीर्वाद ले। ऐसे बैन स्टोक्स ने सोना तो उसके ख्वाबों में आना, कुलदीप आ गया उसकी आंख हार मान ली इंग्लैंड ने ना। अब ये नए सिरे से तैयारी करेंगे, ये जो बेसबॉल की रेसिपी हमें पकड़ाई हुई है ना, ये सही है, चल रही है, लेकिन इंडिया में कम से कम उन्होंने फेल कर दिया इसको ना। दोस्तों अंग्रेजी मीडिया ने एक बात समझ ली है कि भारत को हराना नामुमकिन है भारत की जमीन पे, ठीक यही बात अब पाकिस्तानी मीडिया ने दोहरा दी है। और जिस तरीके से भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया है, रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने आते ही सेंचुरी ठोक दी है अंग्रेजों के अगेंस्ट, और रोहित शर्मा ने एक बात साबित कर दी है कि क्यों उन्हें रोहित शर्मा कहा जाता है। कई दिनों से उनके ऊपर सवाल उठ रहे थे कि वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, वो फॉर्म में नहीं है, कुछ लोग तो उनको रिटायर करने को लेकर भी बात कर रहे थे ट्विटर पर मैंने देखा, लेकिन रोहित शर्मा ने ये साबित कर दिया है कि भैया रोहित शर्मा है। इसीलिए बीसीसीआई ने विश्वास जताकर, बीसीसीआई ने इस बंदे पे ट्रस्ट करके इसके हाथ में टीम इंडिया की कमान दी है अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी और अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया है कि वो टीम को लीड करने की क्षमता रखते हैं और टीम को फ्रंट से लीड करने की क्षमता रखते हैं। इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ भारत ने अंग्रेजों के ऊपर 255 रन से ज्यादा की। यार आज जिसकी बात करें उतनी बात इंडिया के लिए कम है, चाहे रोहित शर्मा से आप शुरू, नहीं रोहित शर्मा से पहले जायसवाल से शुरू हो, जब वो पहली इनिंग में आकर कल के दिन में तीन तीन छक्के मार रहा था, तो जायसवाल तो मेरे ख्याल से इंग्लैंड के ख्वाबों में भी आने वाला है, जिस तरह पूरी इनिंग में परफॉर्म किया है, 700 प्लस रन करके दिखाया और इतना मारा बेसबॉल को, इतना मारा कि इंतहा कर दिया, वो धागे नहीं होते हार्ड बॉल के, वो गोल गिरा दिया। इंडिया की खासियत है कि इंडिया जब बॉलिंग करता है तो हम लोग बैटिंग भूल जाते हैं, जब इंडिया बैटिंग भूल करता है तो हम बॉलिंग भूल जाते हैं। अच्छा एक और मैं फैक्टर देखना मैं आपको लाजमी बताऊंगी, देखिए धर्मशाला की जो पिच थी उसके अंदर हम लोगों को ये था कि अच्छा यार इंडिया बॉलिंग कर रहा है बॉलिंग पिच है, अब इंडिया बैटिंग पे आया तो अब बैटिंग पिच है, मतलब इंडिया कन्वर्ट कर रहे हैं, हम लोग पिचेस ऐसे चेंज हो रही है, आई डोंट नो व्हाई, बट इंडिया जहां जाता है वहां छा जाता है भाई, इंडिया की समझ नहीं आ रही। ये लोग जो है ना, ये लोग कहते हैं कि हम लोग ही क्रिकेट के जो है ना वो बाप दादा बन जाए, लोग हमारे चरण छुए उसके बाद क्रिकेट शुरू करें, मतलब वो होता है ना कि जब हम लोग कोई भी शुभ काम करने से पहले जो है वो हम लोग मीठा चखते हैं, तो हम लोगों को पहले उनके दर्शन करवाने पड़ेंगे क्रिकेटर्स के, उसके बाद जाके आप देखें छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप पाटीदार की बात करें, आप सरफराज खान की बात करें, यशस्वी जायसवाल की बात करें, तीनों की 50s है, तीनों यंगस्टर्स है। इंग्लैंड वालों के लिए ना ये शर्म की बात है, डोप बनने की बात है, इसलिए एक सीनियर प्लेयर है आपके पास, जेम्स एंडरसन जैसे, बेन स्टोक्स जैसे, बेन फोक्स जैसे, बेस्टो देख रहे हैं, सोवा टेस्ट मैच खेल रहा है, तो इंडिया अपने बच्चों से उन्हें पिटवा रहा है। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बैटिंग, बात ना करें क्योंकि आज जिस तरह इंडिया की बैटिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग बैटिंग मुझे नहीं समझ आती, रोहित शर्मा डेब्यू वाले जो है वो हाफ सेंचुरीज कर रहे हैं, डेब्यू वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं कहां से टैलेंट लेके आ रहे हैं, आईपीएल से आउटस्टैंडिंग का टैलेंट आ रहा है। अगर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा ने खुद भी 103 किया और 110 रन किया है उन्होंने, शुभमन गिल ने बात कहने का कि शुभमन गिल को ट्रोल किया गया पहले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर सरफराज खान आ गए, लो जी सरफराज खान आकर उन्होंने भी आप सेंचुरी कर दी, पता नहीं इंडिया कहां से टैलेंट लेके आ रहा भाई, आउटस्टैंडिंग उन्होंने आज मजा आ गया मैच देखने का, पूरा दिन उन्होंने कचाई की है इंग्लैंड की, इंग्लैंड के बेचारे वो जो वो क्या बशीर नाम है, बशीर उसने बड़ा जायसवाल को गुस्से से देखा था, बशीर को टोनी लगाई उन्होंने टका के, बशीर को लग पता गया है उसके आने में नस्लें याद करेंगी कि इंडिया ने टोनी लगाई है, ऐसी लग पता गया उन्हें। अभी ये गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अगर वो फॉर्म में हो तो सोचे कि होगा क्या इंग्लैंड का, मैं तो भाई आई एम लाइक सरप्राइज्ड
कि यार कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई। कल का दिन आखिरी दिन होगा तीसरे मतलब मैच पॉइंट अप, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। देखिए अभी थोड़ा सा और खेलेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद फिर इंग्लैंड वाले जो है वो पिसते रह जाएंगे। कहाँ पर जी स्टेटमेंट आ रही थी कि हम लोग 600 चेस करेंगे, और कहाँ पर देख लें आपके भाई बच्चे हैं ना कुछ भी बोलते हैं ना कि जरूर का सर नीचा, तो ये देख लें कि भाई आपने लिविंग एग्जांपल देख लिया। लेकिन वुड क्या देखे, टेस्ट मैच देख रहे हैं, वनडे देख रहे हैं, 7 रन की औसत से शायद वुड कभी ना दे वनडे में, और वो 7.5 से भी ऊपर की औसत से टेस्ट में चौके पे चौके छक्के पड़ रहे हैं। बशीर साहब आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो आ रहा है, जो इनके हथे चढ़ रहा है। रिजवान साहब हालत यह है इंग्लैंड की कि वो कह रहे हैं 1000 लेने 1000 रन ले लो, 800 लेने 800 लो, हमारी जान छोड़ो। मैं आपको सही बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज जो है ये इतनी खौफनाक हद तक गिरा दी है, इन्होंने तहस नहस कर दिया। एंड यू नेवर नो, कहीं बेन स्टोक्स कहे जी कि आई रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये बड़ी हारना कोई कमाल नहीं होता, हारती हैं टीमें जीतती हैं टीमें, लेकिन ये मोरल डेंटिंग, ये तो इनका इनकी जो अना थी, ईगो थी। मैंने आपको बार बार इस टेस्ट सीरीज के दौरान कहा था एक लाख के इनकी अनाव के साथ खेले, इनकी ईगो का तोड़ मोड़ दे। तो भाई जान ये तो ये हो रहा है, दोनों के शानदार शो है, लेकिन रोहित शर्मा का जो शो है वो मेरे नजदीक बहुत स्पेशल जो है शो है, वो इसलिए ही वॉज अंडर ट्रमेंडस प्रेशर, ही वॉज डन इंटरेस्टेड बाय फ्यू क्रिकेटिंग इलिटरेट्स, कोई इसको भाव नहीं दे रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सीरीज के दौरान आपने भी मुझसे कई दफा कहा मोहसिन साहब कब आएंगे, तो देखिए रिजवान साहब जब आना शुरू होते हैं तो फिर जैसे विराट कोहली के आए, इस बच्चे के भी आ रहे हैं। बच्चा ही है ना, 36 साल, कोई बुढ़ा तो नहीं हो गया, मैं 54 का हो जाऊंगा, बच्चा ही है। तो मेरे नजदीक बहुत ही खौफनाक बैटिंग, इंडिया इंडिया स्कोर नहीं कर रहा, इंडिया उनके अनाओं से खेल। बेस्ट बॉल मेरा ख्याल है पिट गया इन इंडिया, इस पे आपसे पूछूंगा। और सेकंड ये भी आपने बात की जिस तरह ये क्रिकेट खेले कि तीनों 100+ टेस्ट मैचेस खेले हुए, जो रूट और उसके बाद बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो, 10 गेंदों पे तीनों फारिग हो गए और जिस किस्म की शॉट्स पे आउट हुए, तो क्या इंटेंट ही नहीं थी। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन बैटिंग, बात ना करें क्योंकि आज इस तरह इंडिया की बैटिंग की बात करें, आउटस्टैंडिंग बैटिंग मुझे नहीं समझ आती। रोहित शर्मा डेब्यू वाले जो है वो हाफ सेंचुरी कर रहे हैं, डेब्यू वाले अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पता नहीं कहां से टैलेंट लेके आ रहे हैं, आईपीएल से आउटस्टैंडिंग का टैलेंट आ रहा है। अगर रोहित शर्मा की बात करें, रोहित शर्मा ने खुद भी 103 किया और 110 रन किया है उन्होंने। शुभमन गिल ने बात कहने के कि शुभमन गिल को ट्रोल किया गया पहले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया, फिर सरफराज खान आगे, लो जी सरफराज खान आगे, उन्होंने भी आपसे एंट्री कर दी। पता नहीं इंडिया कहां से टैलेंट लेके आ रहा भाई, आउटस्टैंडिंग उन्होंने आज, मजा आ गया मैच देखने का, पूरा दिन उन्होंने कचाई की है इंग्लैंड की। इंग्लैंड के बेचारे वो जो वो क्या बशीर नाम है, बशीर उसने बड़ा जयसवाल को गुस्से देखा था, बशीर को तोड़ी लगाई उन्होंने टका के, बशीर को लग पता गया है, उसके आने में नस्लें याद करेंगी कि इंडिया ने तोड़ी लगाई है, ऐसी लग पता गया उन्हें। अभी ये गिल आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अगर वो फॉर्म में हो तो सोचे कि होगा क्या इंग्लैंड का। मैं तो भाई आई एम लाइक सरप्राइज कि यार कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई। कल का दिन आखिरी दिन होगा तीसरे मतलब मैच पॉइंट अप, व्हाट इज दिस क्वेश्चन। देखिए अभी थोड़ा सा और खेलेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, उसके बाद फिर इंग्लैंड वाले जो है वो पिसते रह जाएंगे। कहाँ पर जी स्टेटमेंट आ रही थी कि हम लोग 600 चेस करेंगे, और कहाँ पर देख लें आपके भाई बच्चे हैं ना कुछ भी बोलते हैं ना कि जरूर का सर नीचा, तो ये देख लें कि भाई आपने लिविंग एग्जाम्पल देख लिया। अब तो पता चल गया होगा इंग्लैंड को, अब तो ख्वाब में भी पता उनको चलेगा कि जो बाप वो क्रिकेटर का बाप सिर्फ इंडिया है, बेसबॉल भी इंडिया ने बनाई थी, उन्होंने कोई बेसबॉल नहीं बनाया, बना लिया। और जिस तरीके के खिलाड़ी हमारे परफॉर्म कर रहे हैं, लगता है कि हम 300 भी क्रॉस कर जाएंगे। और अगर 300 की बढ़त हम बढ़ा लेते हैं इंग्लैंड के ऊपर, तो फिर ये जीत हमारे लिए एक इनिंग से ज्यादा की हो जाएगी। फिर इंग्लैंड को मुश्किल हो जाएगा इसे चेज करना, और मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन में भारत को हराना। हालांकि इंग्लैंड एक बार ऐसा कर चुका है, लेकिन वो लीड 250+ की या 300 के आसपास की नहीं थी। फिलहाल जो सिचुएशन हमें नजर आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है कि इंग्लैंड पूरी तरीके से एक बात समझ चुका है कि भारत को भारत में हराना, भारत में आके नियरली इम्पॉसिबल है। और जो इंग्लैंड के खिलाड़ी है वो इसी हिसाब से खेलते नजर आ रहे, बहुत सारे खिलाड़ी बैक फुट पे हमें खेलते दिखे हैं, और टीम इंडिया की परफॉर्मेंस ने सबको चौंका दिया है। एक सिचुएशन ऐसी थी मैच में जब लगा था कि भारत अभी 300+ स्कोर कर देगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन आई कि हमारे 5 विकेट लगातार एक के बाद एक गिर गए, जिससे ये पूरा का पूरा जो माहौल बना हुआ था 300+ कल ही करने का, वो जो है वो चूक गया। लेकिन बुमराह और कुलदीप ने जिस तरीके से धैर्यवान तरीके से जितना स्टेडली और समझ के कोशिश होके बैटिंग की है, इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि हमारे हर लेवल के हर खिलाड़ी मैच को समझते हुए उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। और यही शायद भारतीय टीम की खास बात है कि जब एक खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पाता है
तो दूसरा उसकी जगह परफॉर्म कर देता है, यानी कि जब एक खिलाड़ी फॉर्म में नहीं होता है तो दूसरे खिलाड़ी आगे बढ़ के टीम के लिए स्कोर करते हैं और इसी वजह से भारत की टीम लगातार जीतती आ रही है। कुल मिला के इंग्लैंड की जो मीडिया उसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने भी एक बात कहना शुरू कर दिया है कि भारत को भारत में हराना नियरली इम्पॉसिबल। भारत की इस परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो बिल्कुल हमें सरप्राइज्ड नजर आ रहे। उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि भारत की टीम इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी ऐसी टफ सिचुएशन में। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।